तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 11:30 सुबह के और अभी मैं बाहर आया हूँ हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में अब बार बार वीडियो शूट करने में मेरे को अजीब लग रहा था, तो मैं अभी बाहर आया हूँ। मैं कुछ खाने के लिए आया हूँ, तो दिखाता हूँ आपको कहाँ पर क्या क्या है इधर पर। और कपड़े दिए थे कल भाई धोने वोने के लिए, वो रात में ही दे गया था, कल शाम को देकर गया था। अब देखने जाऊंगा कि वो किए हैं या नहीं किए, वो भी पता चल जाएगा। तो आइए दिखाता हूँ आपको क्या खाऊंगा भाई मैं इधर पर बाहर से। जो भी हल्का फुल्का सस्ता मिल जाता है वही खा लेता हूँ। और आज है संडे भाई, और मम्मी की ना कीमोथेरेपी स्टार्ट होनी थी, थेरेपी नहीं पता नहीं, वो ओरली दवाइयों के द्वारा देने वाले थे, पर मैंने लिया नहीं है अभी, क्योंकि मैंने होल्ड पे करवाया है। ऐसा ना हो बाद में कहीं उससे, मतलब अगर वो ट्रीटमेंट पूरा ना कर पाए और मम्मी को कोई फायदा नहीं हो तो उससे भी घाटा ही होने वाला है भाई, है ना। तो आइए पहले दिखाता हूँ आपको, ये सब बातें करते हैं बाद में, पहले दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ अभी। तो ये देखो दोस्तों, ये सामने ये हॉस्पिटल है, मतलब और बाहर भी है, मतलब काफ़ी बड़ा है। उधर पे कैंसर वाला इलाज होता है वो वाला हॉस्पिटल है, और इधर पे नॉर्मल, मतलब पूरा बड़ा है, भी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, देखो पूरा बन रहा है अभी। और जस्ट इसके सामने ही ये कार्ट्स लगती हैं छोटी छोटी, जैसे इन अंकल ने लगा रखा है सांभर वड़ा, इडली सांभर 30 रुपये में छोटी सी, जैसे वो हो गया वेज बिरयानी, उधर पर हो गया छोले कुलचे, ऐसे ही छोटी छोटी काफ़ी सारी कार्ट्स लगती हैं, जैसे उधर पर कुछ हो गई। तो इधर से थोड़ा सा सस्ता खाना मिल जाता है रोज़ाना यार। तो मैं अभी देखता हूँ, देखो, और मैं खाऊंगा इधर से। यहाँ पर बनते हैं पराठे भैया, बड़े पहले भी दिखाए मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको, यहाँ से आलू के पराठे मिल जाते हैं भाई 40 रुपये में, और साथ में छोले होते हैं ये वाले। और भाई मैं इन भैया के पास छोले खाने आता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है बस, कि और लोग बहुत ज़्यादा गीले कर देते हैं आजकल छोलों को ना, पर भैया के छोले जो नॉर्मली सिर्फ मसालों में बनाए गए होते हैं, और लोग ना काफ़ी आजकल वैसा कर देते हैं, उनको ढीला कर देते हैं, तरीदार बना देते हैं बिल्कुल, है ना। बाकी ये कुछ करके, ये ऐसे कुछ करके इनका सेटअप है, कुलचे भी रखते हैं और पराठे भी बनाते हैं साथ में, और साथ में ही छोले देते हैं। तो ओके गाइस, मैं तो खाना खा पी के अपना आ चुका हूँ हॉस्पिटल के अंदर, और मम्मी इधर लेट रही है अभी। अभी मम्मी परेशान हो गई क्योंकि उसकी अदरक गायब हो गई है यार, इधर पे ही कहीं रखी थी पन्नी में, आज सुबह सफाई वफाई हुई है तो वो पता नहीं कहाँ कोई ले गया। और मम्मी को अपने किसी भी इलाज से ज़्यादा ना अपनी अदरक, अपना वो जो पिल्स वगैरह लेती है मम्मी, टैबलेट्स वगैरह, उन चीज़ का, उस चीज़ का ज़्यादा फिक्र रहता है, तो बहुत परेशान है अभी। तो ओके गाइस, यहाँ से मैं आया था कपड़े वपड़े लेने, मैंने अपने कपड़े वगैरह ले लिए, ये देखो सारे धुलवा लिए थे, कुछ पैसे तो लगे पर मैंने अपने कपड़े वगैरह धुलवा लिए। कैसे कपड़े लेकर जा रहा हूँ, बैग लाना भूल गया था, अब ऐसे ही लेकर जाऊँगा हॉस्पिटल में। ये सामने देखो सीधा हॉस्पिटल है। तो गाइस कपड़े वपड़े तो मैं दे आया ऊपर, और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो बात कुछ ऐसी है कि यार, जैसे मम्मी का ना स्टेज बहुत आगे निकल गई है, और उसमें क्या होता है कि चांसेस कम ही होते हैं, तो एक ज़िंदगी को हम ख़राब करने से बेटर है कि उनको ज़्यादा में, जैसे उनको और ट्रीटमेंट होंगे, उनको शुगर भी है, उनको वैसे भी डिस्टर्ब है थोड़ा सा, तो उनको अगर मैं छेद वेद करवाऊँगा तो वो और परेशानी ना बढ़ जाए उनको, इससे बेटर है कि मैं मम्मी को ठीक रखना चाहता हूँ, अपने पास ही रख कर, कि ज़्यादा तकलीफ ना दें दवाइयों के थ्रू, और अपना जो घर में ही हम सेवा पानी कर सकते हैं वो कर लें।
तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर कीमो वीमो करवाते हैं, हर कोई कीमोथेरेपी वगैरह मतलब ना काफ़ी बार अडॉप्ट नहीं कर पाता है, काफ़ी परेशानियाँ भी हो जाती हैं, उससे भी काफ़ी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो मैं इसलिए कन्फ्यूज़ हूँ। तो मैं इसीलिए आज सुबह जो आपसे बोल रहा था ना कि मैं नहीं करवा सकता या अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और फिर उस पर ये है कहीं ऐसा ना हो बाद में दवाइयाँ ववाइयाँ बहुत हैवी ऑफ कॉस्ट हो तो वो मैं ना कर पाया तो भी मम्मी के लिए परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं काफ़ी सोच रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई है तो नहीं जो मुझे सजेस्ट करे। तो मैं अपने दिमाग से इसीलिए मैंने कल से ही वो स्टार्ट हो जानी थी तो मैंने होल्ड करवा दिया था। कल डॉक्टर आएंगे तो मैं उनसे बात कर ही आगे स्टार्ट करूँगा कि क्या करना है। और बाकी इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करता हूँ दोस्तों। आज कुछ ज़्यादा था नहीं, बट क्या करूँ क्योंकि तकलीफें ज़्यादा चढ़ती हैं, हॉस्पिटल में इतना जद्दोजहद हो जाती है, मम्मी को लेकर कभी बार बहुत परेशान रहना पड़ जाता है। बाकी ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है जितना भी किसी के लिए आप कर सकते हो कि अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी बचाने के लिए या किसी की भी, तो मैं उतनी कोशिश करता ही रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।